दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की जानकारी देने वाले हैं जो इस समय ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन सोचिए अलेक्जेंडर द ग्रेट इसी देश से थे और मदर टेरेसा भी इसी देश से बिलोंग करती थी। इस कंट्री का इतिहास ग्रीस जैसा ही बहुत पुराना है। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले इस देश में आपको माउंटेन्स पीक्स सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी सबसे पहले इसी देश में आया था। इस देश को लैंड ऑफ पीकॉक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको जो रोचक जानकारी देने वाले हैं उस देश का नाम है मैसेडोनिया। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका बॉर्डर कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और ग्रीस से मिलता है। इस देश की कुल जनसंख्या है 20 लाख। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया के पास कुल मिलाकर 25,220 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है। यहाँ पर आपको 83 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आ जाएंगे। यहाँ पर 58% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 42% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मैसेडोनिया का नाम आखिर नॉर्थ मैसेडोनिया कैसे पड़ गया। दोस्तों, ये भी इस देश के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। बात ऐसी है कि गिरीस ने कहा कि उनकी एक जगह का नाम भी मैसेडोनिया है और उसका इतिहास मैसेडोनिया देश से कहीं पुराना है। इसी वजह से इस कंट्री ने अपना नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया। यहाँ के लोग बहुत ही शांत नेचर के होते हैं। इनका यही कहना है कि आप भी खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया की आज़ादी में एक भी इंसान की जान नहीं गई। 8 सितंबर 1991 को इस देश ने अपने आप को शांतिपूर्ण तरीके से यूगोस्लाविया से अलग कर लिया। दोस्तों, आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टैचू इस देश में हर जगह मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ के लोगों में आपस में बहुत अटैचमेंट है। मैसेडोनिया के पास अपनी लैंग्वेज है जिसका नाम है मैसेडोनियन, और इस भाषा को यहाँ पर हर नागरिक बोलता है। कहते हैं कि इस लैंग्वेज को आसपास के देशों के लोग भी बोलते हैं। इंग्लिश यहाँ एक कॉमन लैंग्वेज है और इंग्लिश यहाँ पर लगभग हर कोई बोल लेता है। यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ के लोग यूरोप के कई देशों से आगे निकल चुके हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने साल 2006 में ही अपने पूरे देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन फैला दिया था। इस देश की राजधानी स्कोपी का इतिहास भी तकरीबन 60,000 साल पुराना है। दोस्तों, इस देश में एक ऐसी जगह है जिसे नासा के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसका नाम है कोकिनो। यहाँ पर 19वीं सेंचुरी से लगातार आकर नासा रिसर्च करता रहा है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया में एक ही ऐसी जगह है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, जिसका नाम है ओरिट। इसे देखने के लिए अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इस देश की करेंसी का नाम है मैसेडोनियन दिनार, जिसकी वैल्यू लगभग 1.3 भारतीय रुपये के बराबर है। हालांकि इसे अभी तक यूरोपीय यूनियन ने एडोप्ट नहीं किया है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती की जाती है और इसे काफ़ी बड़े लेवल पर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा तंबाकू अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तंबाकू के अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की खेती होती है उसका नाम है सेब। यहाँ की 30% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। दोस्तों, मैसेडोनिया में बंद गोभी खाना सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर एक डिश है जिसका नाम है सरमा डिश। यहाँ के लोग इस डिश को सबसे ज़्यादा चाव से खाते हैं। यहाँ के लोगों को डांसिंग और पेंटिंग का अच्छा खासा शौक होता है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जो हजारों साल पहले बनी थी और आज भी ज्यों की त्यों हैं। दोस्तों, यहाँ 21% लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। यहाँ एक अजीब नियम है जिसे सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। वो ये है कि अगर आपकी शादी तय हो जाती है तो आप 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर 34 माउंटेन पीक्स हैं और यहाँ पर 50 लेक्स भी हैं। तो दोस्तों, ये था मैसेडोनिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।